Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Legal Matters. We're going to be discussing legal issues, immigration, litigation and representation. I would like to ask a question regarding legal issues, regarding anything within the law, then feel free to contact us. I'm out of the screen, maybe number, email the address, you'll be able to contact us. I would like to have a private group discussion tonight, then have control rooms, I'm out of telephone number later today, and we'll be more than happy to advise you. And as usual, this is our first program on a Tuesday evening. But I've got views on Kapatata Chapter that from now on it's going to be every Tuesday's 7 o'clock program for 1 hour. So this is going to be our new system which we'll be working on till we further find out we're going to be doing any other programs. For the moment, yeah, I'm at a program till later. And I want to welcome my colleague Khalisab. Welcome to the program. Thank you very much. God bless you, Pierre. Because of the time, and obviously we have to care about the your timing order because of that amount of calling at the end, sometimes we don't have time to respond. Let's just go back and discussion with Belik last Sunday jo baat kar rahe the about the visitor's visa. Let's just talk about that. Ji, main us din bata raha tha, mere khayal mein kahan aayi thi ki government ne nayi kuch cheezein jo hain wo update ki hain. कुछ चेंजेस लेके आए हैं रादर देन अपडेट्स. वो ये है कि पहले 15 डिफरेंट कैटेगरीज थी विजिटर वीज़ा की. अगर आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते तो 15 डिफरेंट फॉर्म्स थे. तो अभी उन्होंने इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके उन्होंने इसको 4 कैटेगरी में ले हैं. अभी 4 किस्म के जो है ना वो फॉर्म्स होंगे. उसमें पहला जो है जनरल विजिटर होंगे. पहले वो थे कि उन्होंने कैटेगरी रखी हुई थी कि रिलेटिव थे, फिर आम जो लोग जिनके इधर रिलेटिव नहीं थे उनके लिए थे, फिर जो लोग वहाँ पे काम करने आते थे उनके लिए थे जैसे आर्टिस्ट हैं. तो अभी उन्होंने एक जनरल विजिटर कर दिया. उसके बाद दूसरी कैटेगरी है मैरिज विजिटर कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए आना चाहते हैं तो आपको विजिटर वीज़ा मिल जाएगा 6 मंथ्स के लिए. और तीसरी जो है ना वो है कि पेड कि अगर आप यहाँ पर आके जैसे आर्टिस्ट वगैरह आते हैं शो करने के लिए आते हैं या कोई लेक्चर देने के लिए आ रहा है तो ये थर्ड कैटेगरी ये है. ठीक है. और चौथी कैटेगरी जो है ना वो ट्रांजिट वीजे की है. सो अभी से जो है ना उन्होंने रूल्स जो है ना ये जल्दी इन्फोर्स हो जाएंगे. एक चीज़ मैं और व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली एक केस ला आया जिसमें प्राइवेट पार्किंग की जो लोगों को टिकट लगा देते थे जी जी उस सिलसिले में कोर्ट ने कहा कि दिस इज अनलीगल. ओके. सो जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट अगर किसी जगह पे ऐसी जगह पार्क की है और उन्होंने प्राइवेट जो लोग हैं उन्होंने सिक्योरिटीज फर्म्स या जो भी उन्होंने अगर टिकट इशू किया तो दैट इज इलीगल. इलीगल, यस. सो वो जो है ना रिफंड देना पड़ेगा उनको बिकॉज इज नॉट विद इन द रूल्स एंड द रेगुलेशंस. दीस जो है ना टिकट दे वर नॉट इशूड बाय द कोर्ट. बिल्कुल, दैट्स राइट. सो अगर ऐसे नाजरीन अगर देख रहे हैं अगर उन्होंने इस सिचुएशन में इन कांटेक्ट वी विल बी एबल टू लुक एट दे मे बी एबल टू सम सॉर्ट ऑफ ऑफ कोर्स रीड्रेस ऑन नाउ. एंड सर लेट्स जस्ट गो बैक ऑन द इमिग्रेशन जो आपने भी जो मेंशन करी थी ऑन द विजिटर्स नाउ द मैरिज वन उसमें जो आपने के सिंपलीफाई करा एंड रियली दे मेड अ बिट डिफिकल्टीज उन्होंने बना चुके ना इसमें बिकॉज द क्राइटेरिया तो वही होगा. रिक्वायरमेंट्स विल गो टू दैट उसको मैं डिस्कस करूंगा आपसे. मगर आपने ये कहा था इसे सिंप्लीफाई कराए तो अभी वक्त ही बताया कि आया ये चीज़ें सिंप्लीफाई हुई हैं या उनका कहना यही है कि हमने इसको सिंप्लीफाई किया है कि अच्छा. ब्यूरोक्रेसी थी, बहुत सारी चीज़ें थी. ठीक है. लोग आना चाहते थे और यू नो फॉर वेरियस रीजन और इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड, टू मैनी फॉर्म्स थे तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है. That's a point of putting to the reason for doing that. Can I have a call? Are you Shamil Gardin? Then we'll talk about it. Hello. Yes, Salaam. Walaikum Salaam. Welcome to the program. Who are you? Yes, sir. I'm talking from London. My name is Peer Zada. Yes. I wanted to talk to you solicitors. Welcome to the program, Peer Zada. Yes, sir. Tell us your question. The question is that मेरे लड़के की शादी हो रही है तो उसके वाइफ को मैंने वहां से बुलाना है पाकिस्तान से तो क्या क्या कागजात मैं भेजूं. ठीक है, ठीक है. आपका बेटा काम करता है? जी हाँ, काम करता है. ठीक है. शादी मैं शादी अटेंड करने के लिए आना चाहती हूँ. ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. आप हमारा प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं पीर सादत साहब.
और इंशाल्लाह आपको पूरा हम एक्सप्लेन करते हैं व्हाट द रिक्वायरमेंट्स विल बी. ओके जी, ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच. वेलकम जी. पहले इसका जवाब दे दिए थे. हाँ दे रहे हैं. इसमें ये है कि अगर तो आपका बेटा काम कर रहा है तो उसको जो है ना 6 माह की वेज स्लिप्स चाहिए, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फिर आपको जो है ना बच्ची जो है ना उसको लेवल A1 पाकिस्तान से करना पड़ेगा, टीवी का टेस्ट करवाना पड़ेगा, यहाँ से जो है ना ये ज़रूरी है कि आपका बेटा जो है ना वो उसकी इनकम 18,600 होनी चाहिए. उसके साथ साथ ये है कि जो इनकम जो वेजेस है इट मस्ट बी पेड इन टू द बैंक, वो बैंक में जानी चाहिए. अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं जी कि हमें कैश मिल रहा है, लेकिन इस सूरत में आजकल वो अक्सर जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं इस बेसिस पे कि आपकी जो आपकी वेजेस है सैलरी है वो बैंक अकाउंट में नहीं जा रही. बिल्कुल. सो इस वजह से भी रिफ्यूज़ कर देते हैं. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका बेटा कैश हैंड ले रहा है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो द सैलरी मस्ट बी पेड इनटू द बैंक अकाउंट. खैर साहब, ऑल्सो आपने ये भी बताते चलें था जो ये अकोमोडेशन होती है उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है. जी हाँ, ये मैं इस हाँ. पे भी आने लगा था. जब से उसके लिए ये सर्वे रिपोर्ट करवा सकते हैं, काउंसिल से करवा सकते हैं और बहुत से स्टेट एजेंट हैं जिस पे उन्होंने जिनका ये एक्सेप्टेबल है. sure. so, एक वो भी सर्वे रिपोर्ट भी करवा लें कि देयर इज एनफ अकोमोडेशन. अगर उनका अपना घर है तो वो डीड जो एक होती है जी वो जो मिल जाती है लैंड से वो लगा के प्रूफ लगा दें. अगर इनके साथ फ्री ऑफ चार्ज रह रहे हैं तो फिर इनसे ये उनको लेटर दे दें कि ये मेरा बेटा है, ये दोनों जब इसकी वाइफ और दोनों आएंगी ये दे कैन स्टे इन आवर हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर बिल नहीं दे रहे तो इस तरह की चीज़ें इनको चाहिए करनी चाहिए. ठीक है खाली साहब, कॉल आ रही से शामिल कर दें. हेलो जी, माफ कीजिए मैं आपको दोबारा तकलीफ दे रहा हूँ जी. मैं आपको समझाने में या तो मैंने गलत तरीके से समझा दिया या आप समझे नहीं जी. तो ये मेरा लड़के की शादी हो रही है यहाँ पे पाकिस्तान से, तो वो शादी अटेंड करने के लिए आ रही है लड़की और लड़की की माँ. ओके ठीक है, किस वीजे पे आ रही है ये मालूम नहीं. क्या क्या कागजात भेजे हैं, विजिटिंग 2 हफ्ते के लिए आना चाहती हैं, शादी करने के लिए वो लिया नहीं चाहिए. शादी के लिए तो लड़का लड़की यहाँ के ही है. विजिटर की बात है ना, आप कह रहे हैं वो शादी को अटेंड करने के वन स्पॉन्सर बेसिकली स्पॉन्सर की बात कर रहे हैं आप, स्पॉन्सरशिप की बात करें. साहब सॉरी बट आपका विजिटर वीजा एग्जैक्टली नो प्रॉब्लम, अभी आपको बता दें आप प्रोग्राम वॉच करें इंशाल्लाह. सो लेट्स जस्ट गो ऑन टू दैट. या विजिटर वीजा के लिए ये जरूरी है कि वो खाने साहब एक और कॉल मैं शामिल कर लेता हूँ फिर हम बताते हैं आगे बढ़ेंगे जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से जी? मैं रेहान यूके से बात कर रहा हूँ जी. रेहान साहब आप अपना सवाल बताएंगे प्लीज जी. मेरा सवाल ये है कि मैं एज ए स्टूडेंट वीजे पे यहाँ पे आया हूँ, नर्सिंग में मैं बैचलर कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसके बाद बैचलर डिग्री करने के बाद मैं एज ए यहाँ पे जॉब अप्लॉयमेंट वगैरह के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, वर्क परमिट मुझे मिल जाए यहाँ पे, उसके बाद ये कुछ देर मैं वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करना चाह रहा हूँ. ठीक है रेहान साहब, समझ गए आपका क्वेश्चन. या आपको जवाब दे रहे हैं कि वॉचिंग प्रोग्राम, वॉच करें हमारे प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम में जवाब देंगे. थैंक यू फॉर योर कॉल. ओके शुक्रिया. खाली साहब लेट्स जस्ट गो बैक टू या मेरा ख्याल वो विजिटर वीजा की रिक्वायरमेंट. विजिटर वीजा यस. अगर शादी बेटे की शादी है और किसी को बुलाना चाहते हैं तो साफ जाहिर है पहली चीज तो ये है कि इनको स्पॉन्सर लेटर उसके साथ साथ जो है ना वही वो अकोमोडेशन का कि इनके पास एडिक्वेट रिक्वायरमेंट होगी. उसके साथ साथ जिसने स्पॉन्सर करना है उसको बैंक स्टेटमेंटें भेजनी पड़ेगी, प्रूफ ऑफ अर्निंग भेजनी पड़ेगी, वेज स्लिप भेजनी पड़ेगी. अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अकाउंट्स भेजने पड़ेंगे. पाकिस्तान से ये है कि उनको शो करना पड़ेगा कि जो बंदा आ रहा है उसकी पाकिस्तान में टाइज है, उनके बच्चे हैं, उनका उनकी जायदाद है, उनका घर है, उनके पास बैंक बैलेंस है, बैंक स्टेटमेंटें लगानी पड़ेंगी, शो करना पड़ेगा कि वो अगर इंग्लैंड में आएंगे तो वो अभी ठीक है वापस चले जाएंगे. ठीक है खाली साहब, कॉल आ रही से शामिल करते हैं. हेलो हेलो वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? ये मैं ब्रैडफोर्ड से हसनैन बात कर रहा हूँ.
जी जी एक फैमिली वीजा अप्लाई किया था, तो वो उन्होंने वो 10 साल वाले रूट पे लगाया है वीजा। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ये है कि जो वीजा स्टैम्प होके आया और जो कार्ड वो उन्होंने साथ भेजा है, वो जो कार्ड भेजा है वो 3 साल का भेजा है। ठीक है। जो कि मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि ये 2.5 साल का 4 दफा होके फिर आपको इंडेफिनेट मिलेगा। ठीक है। तो अब सवाल ये था कि क्योंकि कार्ड पे 3 साल है और जो लेटर है उस पर भी 3 साल का ही ग्रांट किया उन्होंने लीव टू रिमेन जी, तो अब हमें अप्लाई जो है वो 2.5 साल गुजरने से पहले पहले अप्लाई करना है या 3 साल पे करना है अप्लाई? नहीं नहीं, आपने क्या अप्लाई किया किया था? लॉन्ग रेजिडेंस पे किया था 10 साल आपको यहाँ पे? जी 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 बिल्कुल, उसी पे किया था। तो उन्होंने आपको 3 साल की डिस्क्रेशनरी लीव दे दे दी। जी जी बिल्कुल। उसकी क्या वजह? उन्होंने साथ ज़रा लेटर में लिखा होगा या तो उन्होंने गलती हुई है उनसे। इट डजंट मेक सेंस। आपको हसन साहब, इट डजंट मेक एनी सेंस एट द मोमेंट। आप ये नहीं कर सकते। जी जी खाली साहब, आप रिफ्यूजल लेटर उस पर क्या लिखा? उस पर लेटर उन्होंने लिखा कि आपको लीव टू रिमेन हमने ग्रांट की है, ये पीरियड जो है वो 3 साल ही लिखा हुआ। नहीं, नहीं, नहीं। उसी पीरियड, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप लॉन्ग रेजिडेंस पे करते हैं तो फर्स्ट करने, अगर उन्होंने वो रिफ्यूज करना था तो वो वजह बताएंगे कि इस वजह से हमने ये एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज कर दी है, लेकिन हमने फॉर दिस रीजन हमने आपको डिस्क्रेशनरी लीव दे दी है 3 साल की। सो उसमें लाजमी उस लेटर में कुछ ना कुछ वजह होगी कि इस वजह से हमने आपको डेफिनेट लीव नहीं दी है, लेकिन हमने इस वजह से आपको डिस्क्रेशनरी लीव दी है। तो जो लेटर है रिफ्यूजल लेटर, उसको अच्छे तरीके से पढ़े, बिल्कुल आपको पता चले। रिफ्यूजल तो है ही नहीं, वो तो ग्रांट का लेटर है। तो ग्रांट के लेटर में भी हो सकता है कि लाजमी कुछ ना कुछ होगा, लिखा होगा कि इस वजह से। अच्छा, मतलब जिस तरह आप फरमा रहे हैं 2.5 साल का ही 100% होना चाहिए, 10 साल वाले रूट में 3 हो ही नहीं सकता? नहीं नहीं, मेरा ख्याल अभी आप कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा है। 10 साल की बेसिस पे क्या किया था हमने? लॉन्ग रेजिडेंस का किया था, इंडेफिनेट लीव के लिए किया था। जी जी बिल्कुल, इंडेफिनेट लीव के लिए किया था। आप 10 साल से लीगल हैं यूके में? नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए आपने सही फरमाया, कंफ्यूजन हो गई। अर्ज यह है कि अभी नहीं, अभी आए थे पाकिस्तान से तो अप्लाई किया था, तो पहला वीजा लगाया 10 साल वाले रूट का। ओ, अच्छा, फर्स्ट। जी 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 जी, पहला वीजा लगाया 10 साल वाले रूट का। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो सर क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि वो रूट 10 साल वाला है, 2.5 साल का 4 दफा, लेकिन जो लग के आया है और जो कार्ड आया है वो 3 साल का आ गया। नीचे आप लोग कदम भाई पीछे। या मेरा ख्याल ठीक है। जी हसनैन साहब, आप हमारा प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं ना, तो आप इस तरह करें, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो नीचे हैव अ लुक एंड आपका। हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा, बिकॉज आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं एंड वी हैव इन गॉट योर डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये डॉक्यूमेंट को लाजमी देखना, फिर आपको एडवाइस कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं खाली साहब, आई एम गोना बी बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड फिर इंशाल्लाह फिर ये जारी रखते हैं। इफ यू गॉट एनी लीगल इश्यूज रिगार्डिंग इमिग्रेशन लिटिगेशन रिप्रेजेंटेशन, देन प्लीज फ्री टू कॉल अस। थैंक यू।